तो देखो पिछले क्लास में ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चल रहा था पिछले क्लास में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ही क्लास खत्म हो गया था जैसे क्वेश्चन लिखे थे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो लिखा हुआ है कि इन द फिगर बी डी इक्वल टू सी, ये बी डी है और ये सी है, बी डी इक्वल टू सी हो गया, एंड ए डी इक्वल टू ए। अच्छा ए डी ये वाला है, ए डी इक्वल टू ए ये दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए, और एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, अच्छा ये वाला एंगल, ये जो एंगल इक्वल टू ए डी, ये दोनों एंगल। वैसे भी ए डी ई ट्राइंगल में ये दोनों साइड जब इक्वल है, जब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलस ट्राइंगल, और ये दोनों एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी गिवन गिवन ई, ए ए डी इक्वल टू ए बी एंड बी डी ई, इक्वल टू देखना ए बी ई, और कॉन्वेंट प्रूफ करना ए सी डी का, ए सी डी का, ये दोनों को कॉन्वेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं प्रूफ। उसके लिए देखो अलग अलग डायग्राम तो बना लिए हम, तो इस दोनों डायग्राम से देखो क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा ए ई दिया हुआ है, तो जो ये जो ए ई है वो किसका इक्वल है, ए डी का, है ना, ए डी का इक्वल है, यही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, देखो कौन सा एंगल है, ए ई डी, क्वेश्चन दिया हुआ ना, ए ई डी वो इक्वल है ए डी ई का। जो एंगल ए ई डी है उसको ए ई बी बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसका, इसका ए डी सी का। अब देखो क्या क्या कैसे कैसे प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल में पहला बात कि ए ई इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, और यहाँ लिख देंगे गिवन। आदित्य समझ गया ना, हम बना चुके हैं कल ही। वाह वेरी गुड, तुम ही तो है यार देश का शान। तो ए डी इक्वल टू ए ही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये बी डी इक्वल टू सी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बी डी इक्वल टू सी, तो दोनों में हम डी ई ऐड कर देते हैं, तो बी डी प्लस डी ई इक्वल टू हो जाएगा सी ई प्लस डी ई, दोनों में डी ई ऐड कर दिए, तो डी ई ऐड कर दिए तो बी डी प्लस डी ई कितना हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, तो बी इक्वल टू और सी ई प्लस डी ई, ये बन जाएगा सी डी। एक तो ये हो गया, और एक सेकेंड हो ये हो गया, ए इक्वल टू ए डी। तो देखो यहाँ प्रूफ क्या कर दिया, हम बी इक्वल टू सी डी, ये हो गया। अब देखो ये जो एंगल है बीच का एंगल, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, कौन सा एंगल, ए ई बी एंगल इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो ये दोनों ट्राइंगल में देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखा ये हो गया प्रूफ, ये तो तुमने प्रूफ कर ही लिया था, लेकिन क्या करेगा, क्वेश्चन हम दिया था, हमने करवाया था ना, करवा दिया। देखो हमेशा ना फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए, क्या। अच्छा अब देखो दो ट्रायंगल, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए इधर विंटर ट्राइंगल घूमेगा, अरे घूमेगा तब नहीं है, रुको स्टार्ट है किया उल्टा से। ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है, एक ऐसे है। नीचे नहीं इसको। अच्छा एक ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। अच्छा राइट एंगल कहाँ पे है? अच्छा राइट एंगल बीच में यहाँ पे, अरे ये कोई सवाल है, देख राइट एंगल वो यहाँ पे है, ठीक, घबराना नहीं। अच्छा दूसरा ट्रायंगल इसी में बनाना, हमको इसी कॉर्नर से निकालना है, अब देखो कैसे होगा। मुश्किल तो है थोड़ा, ड्राइंग कर दीजिए। नहीं उतना कौन करेगा, रुको ना बनाते हैं।
मेहनत नहीं करना ना, ना नहीं होगा इसमें, ड्राइंग करना पड़ेगा। तो एक ये हो गया ट्रायंगल, नहीं इसको नहीं चलेगा, इसको मिटाते हैं, हटाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर है तो हम क्या करेंगे। देखो एक ट्रायंगल ऐसे है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, वो गलत बना था। ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हम बना देते हैं, यहाँ से एक साइड नीचे आया है और एक साइड इधर गया है और फिर ये ऐसे इससे ज्वाइन हो गया है, ऐसे दूसरा ट्रायंगल है। तो राइट एंगल कहाँ कहाँ पे है आपका? बहुत बेकार, थैंक यू। तो यहाँ देखो ये यहाँ पे ऐसे राइट एंगल है और ये वाला भी ऐसे राइट एंगल है, ठीक। देखो अब नेम ही लिखते हैं, एक ट्रायंगल है, ये नाम हो गया ए, ये हो गया बी और यहाँ पे एक्स, और ये वाला पॉइंट हो गया वाई और ये पॉइंट हो गया जेड। इसमें क्या क्या दिया हुआ, देखो गिवन क्या क्या है। गिवन में है कि ए वाई परपेंडिकुलर टू जेड वाई, देख लो ए वाई, ए वाई परपेंडिकुलर टू जेड वाई ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि बी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ये दिया हुआ है, बी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई दिया हुआ है, और ए वाई इक्वल टू जेड वाई दिया हुआ है एंड बी वाई इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू जेड एक्स, इतना आसान क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, ए बी इक्वल टू जेड एक्स ये प्रूफ करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए वाई, ए वाई, हाँ ए वाई इक्वल टू जेड वाई ये दिया हुआ है, और बी वाई, बी वाई, हाँ बी वाई इक्वल टू जेड एक्स, जेड अच्छा एक्स वाई, बी वाई इक्वल टू एक्स वाई ये दिया हुआ है। हाँ ठीक है, जो दिया हुआ था मार्क कर दिए, कहाँ का एंगल 90 डिग्री है मार्क कर दिए, और ए बी इक्वल टू जेड एक्स प्रूफ करना, बहुत ही आसान बच्चा वाला क्वेश्चन। सीपीसीटी पहले कौन कौन करेगा था ना, सीपीसीटी तो ऐसे ऐसे होगा, वही होगा ना। अरे तो देखना है ना, देखो देखो अच्छा से, अनिश बताएगा, रुको थोड़ा सा वेट करो। क्या अनिश? लड़का कुछ ही बोल दे, बोलता हूँ ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए। बन गया, एक मिनट ही बन गया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ हिंट चाहिए क्या अनीस? कौन सा दो का ट्रायंगल लेगा? नहीं बन रहा इन ट्रायंगल ए बी वाई एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल ए बी वाई और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ लिखते जाना है। सबसे पहले दिया हुआ है ए बी वाई लिया था ना, ए बी वाई, हाँ बी वाई
बी वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई, कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, तो गिवन लिख देना है। इसके बाद ए वाई इक्वल टू दिया हुआ है वाई जेड, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, दो साइड आ गया ना। देखो ये चीज तुमको ज्यादा समझ में कब आएगा, जब डायग्राम तुम अलग अलग बनाएगा, इसीलिए देखो डायग्राम हमेशा अलग बनाना रफ में, चेक करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया, नहीं जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिसको दिख जाता है उसको लिए डायग्राम बनाने जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझ में आता उसको बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे हो गया z, और यहाँ हो गया a, यहाँ पे b, यहाँ पे y, क्या क्या लिख दिया है, बी वाई इक्वल टू एक्स वाई, बी वाई, हाँ बी वाई इक्वल टू एक्स वाई, ठीक, और ए वाई, ए वाई इक्वल टू वाई जेड, वाई जेड, देखो दो साइड आ गया ना, है ना, दो साइड आ गया। अब क्या चाहिए, क्या एंगल, एंगल चाहिए, तो देखना ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये वाला बीच में, देखो डायग्राम में ऊपर बीच में, उसको मान लो थीटा, थीटा से एंगल को दिखाया जाता है, थीटा मान लिए। अब देखो 90 डिग्री कौन कौन सा एंगल है, एंगल x y b इक्वल टू होगा एंगल a y z, ये दोनों इक्वल है, कैसे इक्वल है, इच इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों साइड ना, जैसे एंगल एक्स वाई बी है, इधर प्लस थीटा कर दो, प्लस थीटा, और जो ए वाई जेड है उधर भी थीटा कर दो, थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ए वाई एक्स ना, आदित्य समझा, थीटा जब ऐड कर देंगे, देख लो एक्स वाई बी प्लस थीटा कितना होगा, एक्स वाई बी प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी हो जाएगा ना, पूरा बड़ा एंगल, देखना समझना अनीस, अनीस देख लो एक्स, मेरा कर्सर देखना, एक्स वाई बी 90 डिग्री है, उसमें थीटा ऐड कर दिए, तो ये पूरा बड़ा एंगल ना हो गया, पूरा बड़ा एंगल, इस बड़ा एंगल को क्या नाम देंगे, ए वाई बी, है ना, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए वाई बी इक्वल टू होगा, किसका इक्वल होगा, ये बड़ा सा एंगल का, है ना, क्योंकि ए वाई जेड प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे है और ए वाई भी यहाँ पे है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से, हाँ ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अनिश तुम नहीं बोला यार किस क्राइटेरिया से होगा, हाँ वेरी गुड, तो रिपीट करने में क्या जाता है, रिपीट कर दो, तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएगा ना, तो देखो देखो नाम क्या लिखे हैं, तो ए बी जो है, ए बी वो किसका इक्वल होगा, यहाँ जो थर्ड साइड है ना ए बी, वो इसका थर्ड साइड का इक्वल नहीं हो जाएगा क्या, तो क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू एक्स जेड, कैसे, बाई सी टी, हाँ बाई सी पी सी टी, वेरी गुड आदित्य तुम तेज हो गया है, बाई सी पी सी टी, बस हो गया, हैंस प्रूव्ड, अनीस छापो, छाप लिया, वाह वेरी गुड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, अगर छाप लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है देखते हैं कोई सेफ बन पाएगा तो, सेफ बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ चलो, ट्रायंगल में स्क्वायर कैसे आ गया, देखना यही तो टैलेंट की बात होता है, एक तो ये है उसके बाद एक यहाँ से हम अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो इसके ऊपर बैठेगा के, आह बड़ा हो जा रहा है, नहीं नहीं रुको,
राइट फिर ही आ जाएगा। रुकना, इसके ऊपर बैठाना है तो एकदम बीच से लाएंगे तब ना बैठेगा। देखा, बोले था ना, थोड़ा सा अंतर है लेकिन चलेगा उतना। देखा तुम लोग मेरा टैलेंट को समझता ही नहीं है। ये हो गया उसके दरवाजा बना दीजिए, घर हो जाएगा। नहीं यार रुकना, स्ट्रेट लाइन है ऐसे, एक यहाँ और एक और स्ट्रेट लाइन मिल जा। ये थोड़ा सा कर लो, रखिए चल घींच ही दिया, हटाओ ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो इसका नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग हम थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं, हमको अच्छा लगता है। QRST। अब बोलेगा पी कहाँ है, तो पी है, दिख नहीं रहा है, देखो ऊपर में पी है। ठीक, अब देखो एबीसी बेसिक क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना तो ऊब गए हैं। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ठीक है, और क्यू आर एस टी एक स्क्वायर है। ठीक, ठीक है। तो प्रूव दैट, प्रूव करना है फर्स्ट में, फर्स्ट में प्रूव करना है पी टी इक्वल टू पी एस, और सेकेंड में प्रूफ करना है एंगल पी एस आर इक्वल टू 15 डिग्री। चलो बना दो अब। अनिस क्वेश्चन समझ गया ना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। बहुत है यार, उतना काफी है। बन गया ना, एक मिनट रुकिए, बन गया। अनीस यहाँ पे कौन सा दो ट्रायंगल लेना है, पी क्यू टी एंड पी आर एस। हाँ सही है, वाह इतना समझ में आने लगा तो बहुत है यार, सीख रहा, तरक्की हो रहा है। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर कैसे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसीलिए पी क्यू इक्वल टू पी आर। इसके बाद क्यू टी इक्वल टू आर एस कैसे, क्यू आर एस टी इज स्क्वायर, इसीलिए। अब देखो स्क्वायर हो गया, तो देखो ये साइड इसका इक्वल हो गया, ये साइड इसका इक्वल हो गया, अब चाहिए बीच का एंगल। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री होगा ना, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, ये 90, ये 90,
तो एंगल पी क्यू टी कितना होगा? 90 प्लस 60 150। और एंगल पी आर एस कितना होगा? ये भी हो जाएगा 150। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल पी आर एस। यानी समझ रहा थोड़ा बहुत ना? थोड़ा बहुत। क्यों, क्या दिक्कत क्या हुआ? अच्छा से क्यों नहीं समझा बता। देखो डायग्राम में देखो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होगा और स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, दोनों को सम कर दो तो एंगल मिल जाएगा बीच वाला क्या? 60 डिग्री क्या दिया हुआ रहेगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है तो तुमको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समझ गया ना? अच्छा स्क्वायर में 90 डिग्री होता है ना। 150 कैसा है? 60 into 60? 60 plus 90 यार, स्क्वायर में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90। ये कब से याद रखा है तुम? हाँ जब से याद रखा उसी समय से ये भी याद रखना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री होता है, समझा ना? तो देखो ट्रायंगल जो लिए थे हम पी क्यू टी, उसमें Q के पास टोटल कितना एंगल मरा? टोटल 90 और प्लस 60 150। जवाब नहीं देगा तो हम क्यों बताएंगे तुमको? कुछ तो बोलना चाहिए यहाँ पे। नहीं ले सकते टी से, नहीं ले सकते क्या? ओहो तो टी से कैसे लेंगे यार? टी से ये एंगल कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? अभी ये इक्वल प्रूफ करना ज़्यादा आसान है 150 वाला, 90 प्लस 60, यहाँ भी 90 प्लस 60 कर दो 150 आ जाएगा। तो एस ए एस से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, है ना? दो साइड और बीच का एंगल देख लो, है ये हो जाएगा एस ए एस। अब समझा कि नहीं अच्छा से? हाँ गुड, फिर लगभग लगा दिया लास्ट में। क्या बोले? तो लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर एस। किस क्राइटेरिया से? बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी टी इक्वल टू पी एस, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखो, सेकेंडरी वाला नहीं बन रहा है। चार तरफ सिर घुमा के देख ली, कहीं से नहीं बन रहा। बाईसीपीसीटी से पीटी इक्वल टू पीएस आ गया, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अनीश यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो सीधे हमको बोलना। अरे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन कौन सा ट्रायंगल डायग्राम में देखो, पी क्यू टी और पी आर एस, जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी टी इक्वल टू पी एस बोल सकते हैं ना? PT इक्वल टू PS। हाँ थर्ड साइड इसको लिखा जाता है, रीजन क्या लिखेंगे? बाई सीपीसीटी। ऐसे तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। हाँ अब इसी खुशी में सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। अत्यंत ध्यान से देखना, गौर से कान खोल के। कान खोल के देखते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं क्या? अनीश हाँ, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं ना? पी क्यू अब क्यों लिए? देखना यार, हम प्रूफ करें सेकंड वाला, ठीक? तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं। बोलो ले सकते हैं। हाँ अब देखो पी क्यू आर एस टी कैसा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर है ना, है ना स्क्वायर, तो क्यू टी इक्वल टू क्यू आर ले सकते हैं कि नहीं? क्यू टी इक्वल टू क्यू आर क्योंकि स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो ये दोनों जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दोनों का राइट साइड सेम है, क्यू आर
तो लेफ्ट साइड भी तो सेम होगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा। हाँ, इससे क्या मिला हम लोग को? इससे ये मिल गया कि पी क्यू टी आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया। ठीक, जब पी क्यू टी आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट वाला में करना था। अरे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, अगर ये एंगल ला देंगे ना तो ये भी एंगल हो ही जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू टी कैसा ट्रायंगल बन गया अनीश? आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया। जैसे आइसोसेलस बनेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो समझ गया ना, तो क्या लिखेंगे देखो, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू टी पी, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 में से 150 माइनस कर दो, 13 आ जाएगा। अब 180 कैसे? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से बीच वाला एंगल 150 हो गया, 150 90 प्लस 60, ये दोनों का सम बचा कितना? 30। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल है, तो इसीलिए एंगल क्यू पी, अच्छा क्यू टी पी प्लस एंगल क्यू टी पी दोनों सेम लिख दिए, तो इक्वल था, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी पी इक्वल टू 30, तो एंगल क्यू टी पी इक्वल टू आ गया 15। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एंगल पी एस आर, पी एस आर इक्वल टू होगा एंगल क्यू टी पी, दिस इक्वल टू 15 डिग्री, हेंस प्रूव। अनिश समझ गया? पक्का ना? गुड, देखा तुमको सिखा दिया, बहुत हमको अच्छा फील हो रहा अंदर से। आदित्य छापो। और क्या कर सकता है, बोल रहा था सब एंगल से देख लिए नहीं बन रहा है। हम बोले सब तरह से मुंडी हुआ के देख लिया। अच्छा, ओ आई सी। हो गया, आगे बढ़ा जाए। एक मिनट, हटा सकते हैं। अनीस? हाँ। गुड, तुम्हारा हाँ बोलने से पहले हटा दिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार किसका थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए बात? क्या बात कर लिए? हाँ कर लिए। वो बच्चा लोग का जो मार्कशीट आया है ना 10th में, वही सब करता रहता पुराना पुराना स्टूडेंट। मतलब तुमको खुशी हो रहा है क्या? गजब। लेकिन पूछ रहा है कोई फेल हुआ, नारियल फोड़ेंगे आज जाके। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री,
अब इसी नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए, ये बी, और यहाँ पे सी है, और ये है डी ई एफ। अब देखो गिवन में क्या क्या है। गिवन में है ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है, अब बी डी इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है। ठीक, तो प्रूफ करना है। प्रूफ करना है ये ए सी इक्वल टू डी। देखा, इतना आसान क्वेश्चन, हार्ड मिलता ही नहीं क्वेश्चन। ए सी इक्वल टू डी प्रूफ करना है। चलो बनाओ इसको, ये हम नहीं बताएंगे, आसान है इसीलिए। हाँ ये हो जाएगा। इतना देर बाद तुमको पता चला है? अनीस को बहुत पहले ही पता चल गया कि नहीं होगा हाँ, पहले उससे। सब तरफ मुंडी घुमा के देखते हैं, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद देखते हैं। बन जाएगा ना। बन जाएगा ना अनीस। ठीक, बना बना। मुंडी घुमा के उधर क्यों देखना, सामने में तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन, सामने देखना है। क्यों, अब सीधा फिगर नहीं ना देते हैं, लेकिन चल ठीक, बना बना। तेरा फिगर देंगे तो मुंडी भी तेरा करना पड़ेगा। फिगर तो सीधा ही है। हाँ ठीक, बना। बकवास नहीं, हम ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। RHS और CPCT। हाँ सही है, सीपीसीटी बोला नहीं जाता है, आरएचएस से कॉन्वेंट हो गया, फिर हो जाएगा उससे प्रूफ। अनीस हो आगे गया। बढ़ा जाए क्या? अच्छा कैसे प्रूफ किया बताओ अनीस, थोड़ा सा हिंट। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई डी एफ पे कैसे लाया? बी डी इक्वल गिवन एंगल ई डी है एफ ना, कहाँ गिवन है? ए सी बी ए सी बी कहाँ गिवन है? एक समझ गए तुम ना, ऐसे ही सबको घुमाते रहता है लगता है, लेकिन हमको घुमाना मुश्किल है। गिवन है बी डी इक्वल टू सी एफ होगा ना, और हाँ तो ए बी बी डी इक्वल इक्वल टू टू सी बी। एफ, तो फिर प्रूव में ये ए बी इक्वल टू ई एफ। हाँ ए बी इक्वल टू ई एफ। चलो ए बी इक्वल टू ई एफ, उसके बाद अब बी डी इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है। हाँ बोलो अब। ट्रायंगल ए बी सी एंड हाँ ट्रायंगल ई एफ हाँ डी
एसी इक्वल टू डी कैसे? पगला वही तो प्रूफ करना है, नहीं ना बना पा रहा है, यही करो तुम, टाइम वेस्ट कर ली। देखो बी डी इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है ना, हाँ हूँ बोलेगा, नहीं तो कैसे हम आगे बताएंगे। तो देखो दोनों में ना, दोनों में ये जो सी डी है ना, सी डी वो ऐड कर दो, सी डी तो बी डी प्लस सी डी और सी एफ प्लस सी डी दोनों साइड इक्वल ऐड करें तो इक्वल ही रहेगा ना। अब बी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा? बी सी डी एफ। तो ये क्यों नहीं बोला तुम, क्यों नहीं बोला? वो उसके बाद ही तो गलत है। तो पहला क्या था? हम उसके पहले उसका क्वेश्चन लिख दिए थे। देखो राइट एंगल ये बी सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड है तो बाई आर एच एस। जैसे ही कॉन्वेंट हो जाएगा तो लिख देना ए सी इक्वल टू डी बाई सी पी सी टी, रीजन लिख देना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बच्चा लोग को थोड़ा सा मन बहलाने के लिए। क्या चलो इसी खुशी में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन मिलेगा तब ना यार। 10 मिनट बाकी है। हाँ तो मुझे इतला कर दिए, इतला कर दिया तुमको। अच्छा क्वेश्चन, तो अच्छा इनइक्वालिटी हटा दिया है ना सिलेबस से, इनइक्वालिटी वो क्या होता है? ट्रायंगल में इनइक्वालिटी होता है, चिड़िया नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे और क्या ना दे। अच्छा ठीक है देते हैं। चलो देखो एक ट्रायंगल है, वो तो हमेशा ट्रायंगल होता ही है, कभी कभी स्क्वायर गलती से आ जाता है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, अब खुश ना। हाँ, हाँ इसमें गिवन में क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी पर एक पॉइंट, कुछ बनाइए देखना, ए बी पर एक पॉइंट है एक्स और ए सी पर एक पॉइंट है वाई, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। और फिर गिवन है क्वेश्चन में कि ए एक्स इक्वल टू ए वाई, एक्स इक्वल टू ए वाई। तो देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सी एक्स इक्वल टू बी वाई। देखा देता है हार्ड, प्रूफ करने बोलता है आसान। सी एक्स इक्वल टू बी वाई प्रूफ करना है, सो इजी क्वेश्चन। है ना आसान क्वेश्चन था? अनीस, अच्छा वो रीज्वाइन करने का मैसेज करके चला गया, बहुत अच्छा लड़का है। तुमको स्टडी मटेरियल हम दिया दित्या, उसको नहीं दिए हैं, ऐसी उम्मीद से दिए हैं कि तुम बनाता है पढ़ेगा थोड़ा अच्छा से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको करते रहना है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे से हो गया किससे ऐसे। हाँ सही है, तो इसको बनाए या नहीं बनाए? नहीं मत बना, आसान आसान क्वेश्चन है, तो जो भी स्टडी मटेरियल दिए हैं उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्वेश्चन ढूंढना है,
और समझ ही गया होगा, और बनाना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा छोड़ क्या? दो, क्या बक रहा है? मैं सुना दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ वेरी गुड। नहीं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कब नहीं होता है? तो क्वेश्चन 8 में एक ऐसे जा या जा 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 हाँ जा एक ट्रायंगल ऐसे है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। हेलो, हाँ क्या क्या हाल चाल? क्वेश्चन 7-12 हो गया। हाँ बना लिया वो। तुम आ गया ना, कहाँ गया था घूमने? हाँ ड्रॉप कर लिया था। तो यही होगा। हाँ देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी, यहाँ जो ओ एक पॉइंट है, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। देखा आसान सा चीज। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का तो कुछ काम नहीं है। अच्छा, है काम है। पक्का? है हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का काम है, कॉन्ग्रुएंसी से ही बनाना है, आइसोसेलस से नहीं बनाना है। बिना उसके भी तो बना सकते हाँ हैं। उसको ही बना सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हम चाहते हैं कॉन्वेंसी का यूज करो। दो ट्रायंगल खोज के दीजिए इसमें, तो वो तुमको ढूंढना है। जिसको जिसको नहीं, हमसे नहीं, हमको नहीं मिल रहा है दो ट्रायंगल इसमें। हाँ अरे तो पहले चारों तरफ मुंडी घुमा के देख लो, दर्द बहुत कुंडी घुमा रहे हैं, दो हो जाएगा। अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन वो तो होगा नहीं देखो कॉन्ग्रुएंस। कभी कभी ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो वैसा बताएगा कौन? वो हम है ना, तुमको कहाँ चिंता करना है, तुमको चिंता नहीं, एकदम नहीं करना है। तो ए को बताना और ओ को ज्वाइन कर चाहिए दिया अनीस, अनीस ना, ए को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा सी पी सी टी से। तो टैलेंट कैसे आएगा क्वेश्चन बनाते बनाते? अरे आप बता ही नहीं कि कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। हाँ तो बता दिया ना। हाँ तो आगे से बनाएंगे। हाँ तो जो भी क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेगा बुक से बनाएगा, उसमें कहीं कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन कर देना। वैसे तुम लोग सिविल इंजीनियर है नहीं, ठीक, तो वो वाला कंस्ट्रक्शन मत करना, ये छोटा मोटा कर ही सकता है बहुत खराब जोक था सर, लेकिन बहुत खराब था। करे, अच्छा मिल नहीं रहा था। अनीस बना रहा है ना? हाँ वेरी गुड। जी, तो ये दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ओ बी इक्वल टू ओ सी गिवन, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। कौन सा क्राइटेरिया है तुम बताना। देखने दीजिए। हाँ
तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। हाँ तो चलते बने, नहीं रुक ना 30 सेकंड रुको। हाँ नहीं, कौन सा क्राइटेरिया? ओहो यहाँ देखना, ये तीनों के तीनों क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, साइड है, ओ बी क्या है, साइड है, ओ ए क्या है, साइड है, साइड साइड साइड, तो तू इतना ना देख सकता है। गजब कर दिया लास्ट लास्ट में, गजब लेकिन सच में। वो खुश करके कैसे भेज सकते हैं वही तो, लास्ट में मूड फ्रेश हो गया। देखो कॉन्वेंस और ट्रायंगल में इतना ही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वगैरह बनाना, अब आगे पढ़ेंगे। जल्दी छापो अनीस, हो गया लिखा क्वेश्चन नंबर 7 तुमने ही बनाया, बना के भेज देना, व्हाट्सएप कर देना बना के। ठीक है चलो बाय बाय। क्वेश्चन वगैरह बनाओ घर में अनीस, तुमको बोल रहे हैं तुम्हारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है।